क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार जी के 1183वीं जयंती के खास अवसर पर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राणा यशवंत पाल सिंह सिसोदिया ने की, तो साथ ही अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक गुलचैन सिंह चारक बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। वहीं जयंती समारोह के दौरान कहलूर रियासत के राजा सुभेंद्र नारायण चंद और कोटखाई रियासत के राजा राणा त्रिभुवन राज सिंह सहित राजकुमारी शुभानी, राज्य लक्ष्मी और हिमाचल राजपूत महासभा के महासचिव के एस जम्बाल ने भी खास तौर पर शिरकत की। वहीं इस जयंती समारोह में क्षत्रिय समाज से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और विशेष क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को भी सम्मानित करने का काम किया। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक गुलचैन सिंह चारक ने जहां सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार को याद करते हुए इस दिवस पर सभी को अपनी शुभकामनाएं दी, तो साथ ही क्षत्रिय समाज को एकजुट होकर आगे चलने की बात भी कही। वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राणा यशपाल सिंह सिसोदिया ने आरक्षण के मुद्दे पर सरकारों को घेरते हुए आरक्षण खत्म किए जाने की मांग उठाई। साथ ही उन्होंने आरक्षण खत्म न किए जाने पर उसे जातिगत आधार के बजाय आर्थिक स्थिति के आधार पर तय करने की केंद्र सरकार से मांग की है। सोलन के टैंक रोड पर कांग्रेस द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सोलन के विधायक डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर कर्नल धनीराम शांडिल ने बहुत समय स्थानीय लोगों की मांग को पूरा करते हुए करीबन 5 लाख रुपए से निर्मित होने वाले इंटरलॉक पेवर सड़क का शिलान्यास किया। ये सड़क टैंक रोड पर चार खम्बा रोड से डमरोक तक बनाई जाएगी। इस मौके पर विधायक डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि विकास के मार्ग में वे कभी भी धन को बाधा बनने नहीं देंगे और अगर इस कार्य में और भी धन की जरूरत होगी तो वे और भी धन उपलब्ध करवाने में पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि वे शहर की सड़कों को सुंदर और स्वच्छ बनाएं ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद, मुकेश शर्मा, जगमोहन मल्होत्रा, दिनेश धीर, सचिन रजत थापा, जितेंद्र परमिंदर दीवान, जितेंद्र पिजार, डॉक्टर जतिन सोनी, सावित्री संख्यान, हरिंद्र कंचन राणा, उमा गर्ग, पूनम अनुराग अवस्थी, डीएम शर्मा और 10 नंबर वार्ड की स्थानीय जनता उपस्थित रही। अखिल भारतीय असम राइफल भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन का 5वां वार्षिक अधिवेशन पालमपुर में पालमपुर के नगरी में संपन्न हुआ। सम्मेलन 500 से अधिक नेपाल व भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के भूतपूर्व सैनिकों व वीर नारियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में दोहरी कमांड को समाप्त करना, जिसका दिल्ली उच्च न्यायालय में केस चल रहा है, उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई। वहीं भूतपूर्व सैनिकों को जो मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं तथा निकट भविष्य में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन में सेवा काल के दौरान शहीद हुए जवानों व वीर नारियों कर्नल कुलदीप सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय असम राइफल भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन के महासचिव रिटायर्ड सूबेदार बीटी राय ने कहा कि असम राइफल दोहरी कमांड चल रही है, जिस कारण असम राइफल के सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। पेंशन में भी काफी अंतर है और पे कमीशन की भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। मंडी स्थित कन्या राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में शिक्षा विभाग के द्वारा देश व प्रदेश की लोक संस्कृति पर आधारित खंड स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न खंडों से आए स्कूलों के छात्र छात्राओं ने एकल गान, एकल वाद्य संगीत, एकल लोक नृत्य, तबला वादन, हारमोनियम और बांसुरी वादन में अपनी कला का प्रदर्शन किया।
कन्या पाठशाला की और राजनीतिक शास्त्र की प्रवक्ता वंदना सरोज ने बताया कि कला और संस्कृति पर आधारित खंड स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें 6 खंडों के विद्यार्थी अपनी निर्णायक दल के सामने अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य देश और प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण व संवर्धन करना है। सोलन जिला में दिवाली सीजन को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मास्टर प्लान तैयार किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर एलडी ठाकुर ने बताया कि त्योहारी सीजन के चलते सोलन शहर में मिठाई बनाने वाली सभी दुकानों के लाइसेंस और मिठाई बनाने के तरीके को सैंपल को चेक किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि प्लान तैयार करते हुए टीम गठित की गई, जिसके तहत दिवाली के त्योहार आने तक मिठाई बनाने वाले सभी दुकानदारों के दुकानों के लाइसेंस चेक किए जाएंगे, वहीं उनके द्वारा बनाई जा रही मिठाइयों के सैंपल भी चेक किए जाएंगे। त्योहारी सीजन के चलते विभाग मुस्तैदी से कार्य कर रहा है, ताकि बाजार में किसी तरह की भी मिठाई जो कि लोगों के स्वास्थ्य को बिगाड़े वो बाजार में ना आए। इसके लिए दिवाली तक हर दिन मिठाइयों के सैंपल चेक किए जाएंगे। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग सोलन के अधिकारी डॉक्टर एलडी ठाकुर ने बताया कि जब भी लोग मिठाइयों की खरीदारी करें तो ज्यादा कलर वाली मिठाइयां को नजरअंदाज करें, ताकि उनके स्वास्थ्य पर कोई भी बुरा असर ना हो। वहीं उन्होंने अपील की है कि अगर किसी तरह का भी संदेह उन्हें लगता है कि मिठाई गलत है या खराब है तो विभाग को सूचित करें, ताकि इस पर कार्रवाई की जा सके।